नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे दिल्ली रियल इस्टेट चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए फ्लैट लेके आया हूं वो बिल्कुल ही अद्भुत, बिल्कुल ही चेंज, अलग ही कंसेप्ट पे हमने तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग आपको कॉमन रूफ रेट देंगे। अब आप पूछेंगे कि कॉमन रूफ रेट क्यों, सबसे बड़ा सवाल। तो आइए अब मैं आपका पहले इस प्रश्न का जवाब देता हूँ छत दिखाकर। तो आप ये देख सकते हैं 500 गज की खुली छत, जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी ग्रास बिछाई है, साथ ही साथ झूले लगाए गए हैं ताकि आप बैठ सकते हैं आराम से शाम के टाइम पे, बच्चे आपका ट्रैम्पोलिन में खेल सकते हैं, बार काउंटर में लगाया है, जब भी कभी आपकी बिल्डिंग की सोसाइटी की पार्टी होती है तो आप यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं। लाइट्स हमने लगाई है, आप देख सकते हैं, ट्रैम्पोलिन हमने लगाया है बच्चों के लिए, जिसमें कि बच्चे आराम से खेल सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं क्लब एक्सेस हमने दिया है, जिसके अंदर ये स्नूकर टेबल है जिस पर आप स्नूकर खेल सकते हैं। सोफा सेट हमने ऑलरेडी लगा के दिया है, जिसमें कि आप यहाँ पे आराम से बैठ के पार्टी का एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चे आपके खेल रहे हैं। एसी हमने यहाँ पे आपको लगा के दिया है ताकि आप एसी चला सकते हैं आराम से। साथ ही साथ इसमें हमने जिम का एक्सेस भी दिया है, आप देख सकते हैं कि ये जिम है, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मल क्लाइंट्स खेल रहे हैं जो यहाँ रह रहे हैं। और जिम का एक्सेस आप देख सकते हैं, जिम का एक्सेस है, कॉमन वॉशरूम हमने ऊपर बना के दिया है। तो आइए अब हम चलते हैं वापस छत की तरफ। ये हम आ गए हैं अपनी वापस छत पे, जिसमें कि आप देख सकते हैं इतनी अच्छी खुली छत, इतना अच्छा मौसम में आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप ये वाला फ्लैट लेते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इस बिल्डिंग के नीचे आलीशान फ्लैट पे। हम आ चुके हैं अपने 3 BHK में, अभी तक आपने हमारा टेरेस देखा, आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ ह्यूज साइज का 3 BHK, जिसके ये एंट्रेंस है। एंट्री करते ही आप देख सकते हैं हमने आपको शू रैक बना के दे रहे हैं, जिसके अंदर आपका शू रैक वगैरह आराम से आ जाएगा। ये आपका हमने कॉमन पैसेज एरिया बनाया है, जिसमें कि आपका कभी भी कोई कुरियर बॉय आता है या कोई भी डिलीवरी बॉय आता है, यहीं से सामान लेकर यहीं से बाहर बेच सकते हैं। पैसेज एरिया में आप देख सकते हैं वीडियो कैमरा हम लगा के दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे कौन है कौन नहीं है। आइए अब हम चलते हैं हमारे ड्राइंग रूम में। ये हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं इतना अच्छा बड़ा ड्राइंग रूम है, जिसके अंदर सोफा सेट के साथ साथ हमने डाइनिंग भी आ गया है। सोफा सेट की अगर हम बात करें तो आपका 10 सीटर का सोफा है, जिसके अंदर आराम से सोफा लगने के बाद भी कितना वॉकिंग स्पेस बच रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया गया है, जिसके ऊपर हम लाइट्स लगाई हैं। पार्टीशन के लिए आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने वुडन का काम करा के दिया है, जिसके अंदर हमने लाइट्स और आपके लिए डेकोरेशन कराई है पूरी पूरी, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर फॉल सीलिंग, जो कि इतनी अच्छी सुंदर फॉल सीलिंग है, जिसके अंदर फैन और झूमर आपको हम लगा के दे रहे हैं। सोफा सेट के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं इतना अच्छा बड़ा LED पैनल, जिसपे आपका बड़े साइज का TV आ जाएगा, जिसके पीछे हमने ग्रास का काम कराया है। ऊपर आप देख सकते हैं पूरे के पूरे स्प्लिट AC की वायरिंग है, पूरी की फिटिंग करा के दी है। अगर हम बात करें अपने डाइनिंग टेबल की, तो आप देख सकते हैं 4 लोगों का डाइनिंग टेबल है, जिसके अंदर पीछे हमने लाइट्स लगाई हैं, वॉलपेपर हमने यहाँ पे भी लगाया है। अगर आप दोनों सेक्शन में अलग अलग तरह का वॉलपेपर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं किचन में। किचन के बाहर आप देख सकते हैं हमने पूरा शीशे का काम कराया है। किचन के अंदर हम देख सकते हैं पूरी की पूरी मॉड्यूलर किचन है, जिसके अंदर चिमनी की अगर हम बात करें तो फुली ऑटोमेटिक सेंसर वाली चिमनी है। और अगर हम बात करें नीचे, तो आप देख सकते हैं फ्रूट बास्केट हमने बना के दिए, जिसमें आप फ्रूट बास्केट अलग से हमने इसमें दिया फ्लैट के अंदर। अगर हम बात करेंगे कहते हैं पूरे बर्तन होने की, तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरह का हमने प्रोविजन दिया है, जिसमें साफ और गीले बर्तन आप रख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे ड्राइंग रूम के सामने ही जो कॉमन टॉयलेट है, ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ जाता है। कॉमन टॉयलेट के अंदर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर, पूरा वॉश बेसिन, हाथ धोने का एरिया हम आपको लगा के देंगे, जिसमें आपका हेयर ड्रायर वगैरह, साथ ही साथ शीशे का पार्टीशन हमने करके दिया है, जिसमें कि आपका नहाने का प्रोविजन अलग हो जाता है, जिसमें कि बेसिकली पानी बाहर नहीं आता है, वेट वगैरह का अंदर आंसर रहता है। आइए अब हम चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में। ये हमारा पहला बेडरूम है, जितना इसमें इतना अच्छा खुला बेडरूम का साइज़ है, जिसमें बेड लगने के बाद भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वॉकिंग स्पेस मिल रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बच्चे घर पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। स्टडी टेबल बना के दिए, स्प्लिट AC की वायरिंग इसमें हम करा के देंगे। ऊपर हम बात करें फॉल सीलिंग करा के दिए, इतनी अच्छी सुंदर फॉल सीलिंग, इसमें फैन आपको हम लगा के देंगे। अगर हम बात करके कहते हैं वॉलपेपर की, तो इसमें वॉलपेपर आपको लगा के दे रहे हैं। इस बेडरूम में हमने आपको मंदिर बना के दिया है, अगर आप चाहते हैं मंदिर किसी और रूम में लगाना वो भी प्रोविजन अवेलेबल है आपके पास। आप देख सकते हैं दोनों कमरे इसमें फ्रंट पे आ जाते हैं, जिसमें हम चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में। इस बेडरूम में भी हम आपको बेड लगा के दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप बेसिकली देख सकते हैं कितना वॉकिंग स्पेस बचता है। अलमीरा आप देख सकते हैं, इतनी अच्छी अलमीरा बना के दी है, वुडन की पैनलिंग कराई है हमने इसके अंदर। अगर हम बात करें ऊपर, आप देख सकते हैं इसमें इतनी अच्छी फॉल सीलिंग, जिसके अंदर फैन आपको लगा के देंगे, कस्टमाइज वॉलपेपर है। साथ ही साथ देख सकते हैं इसके अंदर आपका विंडो AC आ जाएगा, नीचे आपकी विंडो जो कि आप अच्छे मौसम में खोल सकते हैं, हवा वगैरह का आएगा। ये आपका कॉमन टॉयलेट आ जाता है, जो कि आपका इस रूम से अटैच है। आइए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे मास्टर बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम का साइज इतना अच्छा खुला मास्टर बेडरूम है, बेड लगने के बाद भी वॉकिंग स्पेस बच रहा है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर है। अलमीरा की अगर हम बात करें, तो इसमें इतनी अच्छी बड़ी अलमीरा लगा के हमने आपको दी है, साथ ही साथ फैन का प्रोविजन है।
अब हम आ गए हैं हमारे बालकनी एरिया में। आप देख सकते हैं बालकनी एरिया कितना अच्छा है, जिसके अंदर हम ग्रास लगा के देंगे, साथ ही साथ आप यहाँ पे शाम के टाइम पे यहाँ बैठ के आराम से चाय का आनंद ले सकते हैं और बाहर का हवा का आनंद ले सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे वापस ड्राइंग रूम में, जिसके अंदर हमारा डाइनिंग टेबल प्लस सोफा सेट, ड्राइंग रूम दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो एक बार आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, ये 100 गज का फ्लैट है, मेट्रो के पास है, विद टेरेस गार्डन है। आशा करता हूँ एक बार हमारे ऑफिस आएंगे और हमें बताएंगे कि हम और अच्छा आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपने हमारा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया।